इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com। बोले आदिम तीर्थ आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। तीर्थराज सम्मे शिखर जी की। अहिंसामयी जैन धर्म की। आचार्य वर्य विद्यासागर जी महाराज के दयादीप मान प्रकाश पुंज परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जिनकी श्रम में हम दिव्य दर्शन मंडप गुणायतन में विराजमान है। विराजमान है मेरे सारे लोग अपने घरों में जो पारस चैनल जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से गुरुदेव की सुमधुर वाणी से जो तत्व दिग्वर्तनी है सुन करके अपने समाधान प्राप्त करके जीवन को प्रशस्त कर पा रहे हैं। आप सबका उन सबका मैं गुणायतन एवं सेवांतर परिवार की ओर से अभिनंदन करता हुआ आपको वंदन करते हुए गुरुदेव श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूँ। हम गुरुदेव श्री चरणों से जुड़े उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिये नमोस् तुम्हारा श्री। नमोस् तुम्हारा श्री। नमोस् तुम्हारा श्री। गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है जिसमें कारण बना है आपका उदार भाव आपका सदाशय। इस कारण इतना बड़ा हम न्यास इतनी बड़ी परिकल्पना गुरुदेव की पूरी करने जा रहे हैं। मैं कहूं कि गुरुदेव का स्वप्न साकार होने वाला है और ये आपके उदारता परिणाम है। जो लोग आज तक गुणायतन नहीं जुड़े हैं उनसे मैं आह्वान करता हूं कि गुणायतन को देखें समझें जाने और गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन की अर्चना को सार्थक करें। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है उनके नाम उच्चार रहा हूं। करतल ध्वनि सुनके इस सत्कार की अनुमोदन अवश्य कीजिएगा। रजत दान देकर के जसवंत भाई पोपटलाल शाह अहमदाबाद ये धन्य हुए अपने जीवन धन्य किया है बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्ण दान देकर के गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है मधुकला लक्ष्मीकांत रत्ना झावेरी मुंबई एवं मणिदेवी ढोलिया जयपुर दोनों ही गुरुदेव के चरणों में आए अभिवंदनार्थ पहुंचे। श्रीमती मणिदेवी ठोलिया जयपुर यदि उपस्थित हो आ जाए सीखते से आ जाए और मधुकाल जी लक्ष्मीचांद जी जतना झावेरी मुंबई इनका हम कृतज्ञ होने से अभिनंदन करते हैं। इनके स्वर्णिम कार्य दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज गुणायतन से निर्माणधी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया कुमारी बिनी जैन सुपुत्री विमल जी जैन देवरी सागर अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। बिनी जी श्रीमती सुनीता जैन श्री जी जैन भोरथिर वाले देवरी बीना बारहा इन्होंने भी अपने आप को संबद्ध किया है बहुत बहुत साधुवाद। शुभाकांक्षी मंजरी मिलिंद औथंकर नागपुर श्रीमती सुलोचना जैन चंदेरिया राजेश कुमार जैन कटनी श्रीमती पुष्पा जैन शैलेश जैन कोरिया छत्तीसगढ़ ये सब संबद्ध हुए निर्माण निधि के रूप में बहुत बहुत साधुवाद के साथ अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त कर लें। निर्माण मित्र के रूप में आज
श्रीमती माधुरी नैमी कुमार मंदा ओगड़े अमरावती ये संबद्ध हुए हैं। साधारण मदद कर रहा हूँ, वे आए गुरुदेव चरणों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मंदा ओगड़े अमरावती से श्रीमती माधुरी नैमी कुमार जैन अजाय सीट से आ जाए। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान नैमीचंद जी नितिन कुमार जी जैन रीवा ट्रस्ट गुणायतन सीट से आ जाए आप लोग। और इसी क्रम में आज जीवदया के लिए उदयपुर से श्रीमती चंदा जैन स्वर्गीय सुरेश कुमार जी जैन उदयपुरिया इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, एक गाड़ी भूसा प्रदान किया, बहुत बहुत साधुवाद। गुणातन से निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती कविता महिपति पाटिल सांगली महाराष्ट्र ये संबद्ध हुई हैं। इन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए शिक्षा के साथ। इनका सम्मान करने के लिए साधन आमंत्रित है गुणायतन की वृत्ति बहन ट्रस्टी गुणायतन सुनीता दीदी एवं कीर्ति दीदी दिल्ली। सम्मान करने के लिए आ जाए श्रीमती कविता महिपति पाटिल सांगली का उपस्थित है। महिपति पाटिल सांगली यदि है तो शिक्षा से आ जाए, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुमित्रा कुमारी जैन, धर्मपति श्री जीवंधर कुमार जैन, पुत्र पद्मेश धर्मेश रौनक जैन, लुणंदिया परिवार उदयपुर राजस्थान ये संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ। आ जाए शिक्षा श्रीमती कविता जी आ रही क्या महा आइए कविता जी सम्मान करने के लिए श्रीमती कीर्ति दीदी एवं बहन सत्यप्रति बहन शकुन दीदी आ जाओ सम्मान करने के लिए। आ जाइए सम्मान करेंगे आपके, इनके सम्मान में सम्मान करता और सम्मान प्राप्त करता कि दोनों के लिए सम्मान तालियां लगातार बजाते रहे। आपके अनायास ही पुण्य फल होगा, पुण्य समर्थित होगा। सुमित्रा कुमारी जैन बेबी तैयार है, आ जाए सुमित्रा कुमारी आप ही हैं। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अन्नू जी अजमेरा साहब गया एवं श्रीमान कपूर जी जैन कोटा आ जाए सम्मान करने के। अन्नू जी एवं कपूर जी कोटा से श्रीमती सुमित्रा कुमारी धर्मपत्नी श्री जीवंधर कुमार जी पुत्र पद्मेश धर्मेश रौनक लुणंदिया परिवार उदयपुर राजस्थान जिन्होंने जीवदया के लिए 15,000 रुपये राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद के साथ करतल ध्वनि सिंह अभिनंदन कीजिएगा। आज इसी क्रम में शुद्धार के रूप में ही सप्तम प्रथमाधारी श्री विनय कुमार जी संगीता जी सुपुत्री चष्टी जैन नसिया मंदिर दमोह ये संबद्ध हुए हैं। इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आए गुरुदक्षिणों की वंदनार्थ, मंच में आए आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ विजय कुमार जी पाटनी इम्फाल एवं श्रीमान दिलीप कुमार जी गोधा शिक्षा से जाए। विजय कुमार जी एवं श्रीमान दिलीप कुमार जी गोधा सम्मान करने के लिए दिलीप कुमार जी गोधा इंदौर शिक्षा से आ जाए। और आज आइए विनय कुमार जी आओ आशीर्वाद लो गुरु जी। सम्मान करने जा रहे हैं विजय कुमार जी पाटनी इम्फाल से एवं श्रीमान दिलीप कुमार जी गोधा इंदौर से सम्मान करने के लिए। आज हमारे बीच में उपस्थित होकर गुरुदेव चरणों की वंदना की आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रीमान मनित जैन जीनी जैन नाइसा प्रत्युषी प्रत्यांशी आयशा जैन पुत्र पुत्री स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन मिशिगन यूएसए बसंत बिहार थाने इन्होंने अपने आप गुणातन के संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध किया। आपकी करतल ध्वनि अनवरत होते रहने चाहिए, बहुत बड़ा उपक्रम किया है जीवन को संबंधित करने का श्रीमान मनित जैन परिवार ने। मैं साधारण आमंत्रित कर रहा हूँ, आए पूरे परिवार के साथ आए गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी एवं श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन थाने से श्रीमान मनित जी जैन जीनी नाइसा प्रत्युषी प्रत्यांशी आयशा पुत्र पुत्री स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जी जैन मिशिगन यूएसए बसंत बिहार थाने मुंबई करता ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और आज गुणायतन से गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में संबद्ध हुए हैं। आज हमारे बीच में इनका हम 26 तारीख को सम्मान करेंगे, अभी आज नहीं हो रहा सम्मान। श्रीमान गौरव प्रकाश जी प्रकाश चंद जी जैन बेनाड़ा पुत्र श्री प्रकाश चंद जी प्रेमलता जी बेनाड़ा बसंत विहार थाने मुंबई जो आज गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक में संबद्ध हुए हैं कर्तव्य होने के साथ अभी हम इनकी इनके कार्य की अनुवंदना करते हैं और 26 तारीख को विधिवत हम इनका सम्मान करेंगे। निधि जी दिलीप जी गोधा पुत्रवती निधि जी गोधा अपना पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। नमोस्तु महाराज जी। छावनी दिगंबर जैन समाज इंदौर की तरफ से त्रेबार नमोस्तु 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 और पूरे गोधा परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज।
ओम। मेरा प्रश्न ये है, बोलिए। जिस तरह से गिरनार जी में रोपवे बन गया है, उसी तरह से समय शिखर जी में भी रोपवे बनने की सर गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है, तो महाराज जी ये रोपवे बनना कितना उचित है या अनुचित, इस विषय पर आपके माध्यम से पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, रोपवे के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, पर जिस वे से जा रही उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रही? रोप वे पे सवाल उठाते हैं और 90% लोग आजकल बाइक से जाने लगे, उस पर सवाल क्यों नहीं? जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है और जान पर खतरा भी है और अन्य भी बाधाएं हैं, उसको ताक पे रख करके जा रहे हैं सब और रोप वे पे सवाल उठा रहे। तो रोप वे पे सवाल बाद में उठाइएगा, पहले अपना वे ठीक कर लीजिए, राइट वे पे आ जाइए। आप पैदल जाना शुरू तो कीजिए। जब से साधन सुलभ हुए हैं, आप लोगों के आलस बढ़ने लगे हैं, इसलिए आलस त्यागिए। वंदना का मजा तो पांव पैदल चलने में ही है, समझिए। बाकी माध्यमों से वंदना का क्या मजा। आज मेरे पास मनित नाम है ना, मनित आए अमेरिका से, देखिए क्या भाव। अमेरिका से चले, आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी जुड़े हैं इनका परिवार। कितना संकल्प अमेरिका से आया कि वंदना करने के बाद भोजन ग्रहण करूंगा। अमेरिका से उपवास आया था, दो उपवास हो चुके थे। ये भाव, ये है हिम्मत की बात। तुम लोग सब शॉर्टकट चाहते हो, संसार में शॉर्टकट भले हो जाए, मोक्ष में शॉर्टकट नहीं है, समझ गए। इसलिए पांवों के बल पर जाने की बात कीजिए और किसी भी बात के बारे में प्रतिक्रिया देने से पहले पूर्वा पर विचार कीजिए। उपस्थित हों श्रीमती प्रीति नितिन कुमार जी जैन, नैमिचंद के सुपुत्र पुत्रवधु, रीमा से नंदिनी के साथ और प्रमोद डॉक्टर प्रमोद निरंजन के साथ तैयार हैं। श्रीमान संतोष जी जैन कुंदन, अध्यक्ष पंसी नगर भोपाल, धीरेन्द्र जी जैन बबलू, उपाध्यक्ष पंसी नगर भोपाल के साथ। फणीस परिवार एवं रीवा जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु गुरुदेव इक्ष्वामी महाराज जी। हे गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें गुणायतन से जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके प्रथम दर्शन एवं सुभाषीष से हमारा परिवार गुणायतन से 2021 में जुड़ गया। अब गुरुदेव ये बताइए कि मुझे गुणायतन आने में इतना समय क्यों लग गया? दूसरे गुना भाग में लग गई इसलिए। और सारे गुना भाग छोड़ दो और गुणायतन से अपना गुणात्मक संबंध जोड़ लो, तो अपने आप आना हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमान संतोष जी कुंदन। और है सृष्टि श्रेष्ठ धर्म मस्तक। नितिन बोलो। हाँ बोलो जल्दी। महाराज जी, हम सब जानते क्षमा वीरस भूषणम है और क्रोध हमारा अवगुण है, फिर भी हम लोगों को क्रोध तुरंत आ जाता है, क्षमा करने में टाइम लगता है। इसलिए कि सब दुर्योधन की संतान है युधिष्ठिर के ने। दुर्योधन का स्वभाव था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म को जानता हूँ उससे निवृत्त नहीं होता। तो जब तक ऐसी प्रवृत्ति होगी दुर्योधनी, तब तक कल्याण नहीं होगा। संतोष जी प्रस्तुत करें। उसके पूर्व श्रीमान सप्तम प्रथमधारी बिजानी जी, संगीता जी, सुपुत्री षष्टि के साथ नस्य मन नमो उपस्थित होने का सम्मान करने के लिए मैंने आमंत्रित किया था बिजानी। हे परम ज्ञान श्रेष्ठ मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सास की सेवा में हूँ। सात प्रतिमा के मैंने फरवरी कुंडलपुर में नियम लिए थे, प्रतिमा ली थी। अब मेरा ही शंका है गुरुदेव कि क्या आठ प्रतिमा नौकरी छोड़ करके पेंशन पर कोई ले सकता क्या, घर में रहकर आठवीं प्रतिमा का? आचार्य महाराज पेंशन का निषेध करते हैं,
क्योंकि आठवीं प्रतिमा में किसी प्रकार का उपार्जन नहीं होना चाहिए जी। समझ गए जी। तो साथ में रहो ना जी। बढ़िया है। पेंशन पे नहीं रह सकते जी। नमोस्तु भगवान। फिर सीधे छलांग लगाना टेंशन खत्म जी। आइए नमोस्तु भगवान। संतोष कुमार जी को अंदर उपस्थित हो और तैयार हैं श्री पुण्यांशु जैन, सुपुत्र श्री आशीष जैन बनारस अपनी दादी श्रीमती छाया जी के साथ। ओ सृष्टि श्रेष्ठ धर्म मस्तक संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। ओ भैया सीधे सवाल कर लो ना, बहुत फायदा होगा, बहुत लोगों की दुआएं मिलेगी। जल्दी गुरुदेव, सभी ट्रस्टी लोग, सभी कमेटियां अपनी ओर से पूर्ण प्रबंधन करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, इसके बावजूद यदि किसी मंदिरों में चोरियां होती हैं और प्रतिमा जी चोरी जाती हैं, उनकी विनय अविनय जो भी होती है, उसका दोष क्या कमेटी को लगता है या और भी इसका कुछ दोष कहीं किसी को लगता है, विराजमान करने वाले को या देखने वाले को? मंदिर जी में किसी भी प्रकार की अशुद्धि का होना ये पूरे पूरे समाज के पापोदय का कारण है, और इसका परिणाम चूंकि भगवान की असाधना हुई तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग जुड़े हैं समाज भी जुड़े, उस पर असर हो। इसलिए हमें ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि ऐसी अव्यवस्था हो ही नहीं। आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है, लोग बाद में चीखा चिल्ली करते हैं क्यों नहीं हम कैमरे का प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं सिक्योरिटी में हम अपना खर्च करते हैं। आपके माध्यम से मैं देश भर के मंदिर के संबद्ध कमेटियों के लोगों को कहूँगा कि अपनी मंदिर की आय का एक बड़ा हिस्सा मंदिर की सुरक्षा और रखरखाव में खर्च करिए, केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने में अपनी सफलता मत मानिए। आज भी भारत में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, आज भी भारत में ऐसे अनेक मंदिर है जहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, भगवान को आपने भगवान भरोसे रख छोड़ा है, तो इस तरह की चोरी चमारी कभी भी हो सकती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए और उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का प्रसंग न बने, और उसके बावजूद यदि ऐसा हो जाए तो फिर उसके लिए क्षमा याचना है और धार्मिक अनुष्ठान। नमोस्तु गुरुवर। अपने पापा के साथ बनारस से तैयार हैं प्रोफेसर श्रीमती डॉक्टर पल्लवी श्री नितिन मांडव गड़े अमरावती। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी कहा जाता है कि परिस्थिति को शरण, किसी भी परिस्थिति को शरण जाना चाहिए, जिनेंद्र भगवान को शरण जाना चाहिए, तो हमें ये शरण जाने का अनुभव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? शरण जाने का अनुभव करना है तो उसके लिए क्या करना है? अपने अंदर दास भाव जगा लो। दास भाव, समझ गए? प्रभु आप मेरे तारनहार हो, मैं आपकी शरण। सामने वाले की महानता और श्रेष्ठता को और अपनी अकिंचनता को स्वीकारते ही शरण भाव आता है, समझ गए? ये जगाएंगे तो हो जाए। आइए पुण्यांश जी अपने पापा के साथ वो तैयार हैं। श्री शीतल जैन प्रामाणिक समूह कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। संस्कार का इम्पोर्टेंस क्या है? संस्कार का इम्पोर्टेंस क्या है? देखो तुम जब अपने बाल रखते, अभी तो बाल कट गए तुम्हारे, बाल अगर बिखरे हो तो अच्छे लगते हैं क्या? नहीं। तो क्या करते हैं? नहीं। बाल कब अच्छे लगते हैं? संस्कार के बाद, जब कंघी लग जाते हैं अच्छे से। तो बाल पर कंघी करने का मतलब क्या हुआ? बाल को संस्कारित करना। तो जैसे बालों पर कंघी रखते हैं, बाल व्यवस्थित दिखते हैं तो बाल अच्छे लगते हैं, इसी तरह बाल पे कंघी करना बाल को संस्कारित करना है, मन पे कंघी करना मन को संस्कारित करना है, उससे मन अच्छा होता है, समझ गए? तो संस्कार से जीवन में भव्यता आती। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमती शीतल जी प्रमाणिक समूह कोलकाता। अच्छा इस बच्चे का सवाल दूसरे संदर्भ में होगा, दो उसको माई। वो इसलिए पूछा, उस प्रश्न उसने शॉर्ट में कर लिया, ये कल परसों
ये 8 वर्ष का हुआ है और इसने जैन संस्कार ग्रहण किया, जैन धर्म को स्वीकार किया। बेटा ये संस्कार से अब तुम्हारा नया जन्म हुआ, अभी तक तुम जन्म से जैन थे, 8 साल के होते ही तुमने 8 मूल गुणों को धारण कर लिया, अब कर्म से जैन हो गए, अब 9 जीवन की शुरुआत हो गई, समझ गए? तो ये संस्कार से जीवन बदल जाता है, समझ गए? एक नई शुरुआत होती, सभी को ऐसा करना चाहिए। शीतल जी उपस्थित हों, तैयार रहें। निशा माँ जी महल, अरूप माँ जी बांकुरा, पीयूष माँ जी बांकुरा, संतोषी कुमारी खूंटी, 2 प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो ठोने में स्थापना करते हैं, हमें स्थापना किससे करनी चाहिए, लौंग से या पुष्प से? किताब में पुष्पांजलि क्षिपेतम लिखा रहता है। और देखिए जो हम लोग स्थापना करते हैं वो ठोने में नहीं करते, ठोना तो केवल प्रतीक है, स्थापना तो हृदय में करते हैं। और कहीं भी किसी भी आगम में 3, 9, 1 कोई चावल का विधान नहीं है। इस विषय में एक ही उल्लेख मिलता है आचार्य जयसेन के प्रतिष्ठा पाठ में, और उसमें लिखा है स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम क्षिपेत, अर्थात ठोने में स्वस्तिक बनाए और उस पर पुष्पांजलि का क्षेपण कर दें, इसके अलावा और कोई विधान नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए निशा जी, अरूप जी, पीयूष जी, संतोषी जी खूंटी से और बांकुड़ा से, और तैयार हैं श्रीमती नीति नायक सिवनी। तो महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु। महाराज महाराज हम सरक छत्र बांकुड़ा से हूँ, हमारा प्रश्न ये है कि जैन धर्म पालन करके हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? बहुत सुंदर सवाल। एक बार तो मैं चाहूंगा इन सभी का जोरदार अभिनंदन कर दें। आज प्रातः काल से यहाँ सराग जैन शिक्षण संस्कार शिविर का आयोजन चल रहा है और इसमें ये सब युवा आए हैं। पहला तो मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, ये बताओ तुम्हें आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। अच्छा लग रहा है? हाँ। जैन धर्म के विषय में सुनने के बाद तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कैसा लगा तुम, क्या लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। तुम सराख से अपने आप को जब जैन समझना शुरू किए तो तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब सवाल तुम्हारा है, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, एक नई शुरुआत है। ये वे बंधु हैं जिनके यहाँ जिनके पुरखे विशुद्धतया जैन धर्म का अनुपालन करते थे। अब हमारे इतिहास में बहुत सारे उथल पुथल हुए और समसामयिक परिस्थितियों के कारण पिछली कुछ शताब्दियों से ये जैन धर्म से विमुख रहे, लेकिन इनके संस्कार आज भी इनके अंदर है। ये पूर्णतः अहिंसा और सात्विकता का अनुपालन करने वाले लोग हैं, और इन्हें जब यह पता लगा कि हम जैन हैं, सराग का मतलब श्रावक होता है, तो इन लोगों के हृदय में जैन धर्म के प्रति एक अलग उमंग जागृत हुई है कि नहीं हुई है? हाँ। हुई है ना? आपने पूछा जैन धर्म का पालन करने से हमें क्या मिलेगा, जैन धर्म का पालन करोगे तो एक दिन जिन यानी भगवान बन जाओगे। नमस्ते महाराज, समझ गए? जैन धर्म जिन बनने की बात करता है, भगवत्ता को प्राप्त करने की बात करता है। भाव बंधन से पार उतरना है तो जैन धर्म को स्वीकार करो, ये भाव सागर से पार उतरने की नौका के समान है, समझ गए? जो हमारे संसार के मूल कारण है राग देश मोह, उससे मुक्ति दिलाकर आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता बताता है, ये जैन धर्म है। मैं अपेक्षा करूँगा कि तुम सब जैन धर्म के मर्म को जानो, और न केवल जानो अपितु अपने जीवन में उतार कर अपना उद्धार करो। तैयार है नितिन नायक? हाँ बोलिए। हाँ बोलो, अपना नाम बोल दो। मेरा नाम पीयूष है, मैं खागड़ा से आया हूँ, और हम सब लोगों को यहाँ पे बोला कि आप हम आपका बहुत आभार करते हैं कि आप हमको जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। और मेरा सवाल यह है कि जब अरिहंत और सिद्ध ये दोनों सच्चे देव है तो इन दोनों को अलग क्यों लिया गया है? बहुत अच्छी बात है, अरिहंत और सिद्ध दोनों सच्चे देव हैं और इनको अलग क्यों लिया गया,
देखिए अलग इसलिए लिएगा, दोनों की अलग अलग अवस्था है, समझ गए? पहले अरहंत होते हैं, बाद में सिद्ध होते, समझ गए? आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत बनने का रास्ता अपनाते हैं, अरहंत हमारी जीवन मुक्ति की अवस्था है और सिद्ध संसार से मुक्ति की। अरहंत के चार घातिया कर्म ही नष्ट हुए, सिद्ध के आठों कर्म नष्ट हुए। लेकिन हम अरहंत को पहले इसलिए याद करते हैं क्योंकि अरहंत साकार है, उन्होंने हमें तत्वोपदेश दिया। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति अरहंत करते हैं, हमें जो मार्ग मिला वो अरहंत से मिला है, इसलिए अरहंत को हम पहले नमस्कार करते हैं। और सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य है, इसलिए उसको अपने जीवन का मूल ध्येय बनाकर अरहंतों के बाद सिद्धों को स्मरण करते हैं। हमारे देश में एक बड़ी पुरानी उक्ति है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांखे लागे और बलिहारी गुरु गोविंद दियो। तो अरहंत ने सिद्धों का पता बताया, इसलिए हम अरहंत को पहले नमन करते हैं। नमस्ते। उपस्थित संतोषी कुमारी इधर से। हाँ बोलो। संतोषी कुमारी खड़े हो जाओ खूटी से। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मेरा नाम संतोषी कुमारी है और मैं खूटी जिला से हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि झारखंड और पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा, इन राज्यों में ऐसी क्या बात है कि यहाँ की भूमि में जैनत्व के पुरातत्व मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है? क्या यहाँ की भूमि में जैनत्व और पुरातत्व मूर्ति की प्राप्त होती है और इनका संरक्षण हम लोग कैसे करें? जैनत्व और पुरातत्व की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। हाँ, बहुत सुंदर। देखो ये जो क्षेत्र रहा है ये विशुद्धतया जैन क्षेत्र रहा है। यहाँ हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ। मैंने जब इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को पढ़ा तो एक जमाने में कलिंग में 8वीं शताब्दी तक कलिंग का राष्ट्र धर्म जैन धर्म था। उसे नीलकंठ साहू की कृति है उड़ीसा में जैन धर्म, उसमें उन्होंने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया। और ये बंगाल का मानभूम जिला जो अभी वर्तमान में पुरुलिया और धनबाद में डिवाइड हो गया वो इसके अंतर्गत आता था। और एक जमाने में कलिंग की सीमा मगध तक थी, उधर सुदूर आंध्रा में भी थी। तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा संख्या में जैन थे और बड़े समृद्ध जैन थे। आप जो सराक लोग हो ना, ये सराकों के इतिहास के बारे में बताया गया कि यहाँ मानभूम सिंहभूम में जो तांबे की खदानें थी उनके मालिक ये सराक थे, बड़े समृद्ध। लौह युग में भी सराकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और ये इस इलाके में रहे, फले फूले। हमारे तीर्थंकरों का जो बिहार हुआ उनकी सेवा इनने की। इसलिए अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनल जैन है, इस क्षेत्र के जैन। उस काल में इन्होंने अनेक अनेक मूर्तियां बनवाई, मंदिर बनवाए। पार्श्वनाथ भगवान के साथ इन लोगों का विशेष जुड़ाव था और उसी काल की मूर्तियां यहाँ हमें बहुत मिलती है। 9वीं-10वीं शताब्दी की बहुत आदाद में मिलती है और पिछले बहुत मिलती है। तो जैनियों की एक विशेषता रही है कि जहाँ भी रहे हैं पहले धर्मायतन का निर्माण किया। आप लोग भी जैन धर्म का, आपके पुरखे जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे तो उनने पहले मंदिर बनाया। सराग जैन समाज का जो इतिहास, सराग जाति का जो इतिहास है बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। बड़ी बड़ी विपदाओं को इन्हें झेलना पड़ा है, कभी मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके बाद भी उनकी धर्मनिष्ठा नहीं गई, आज भी विद्यमान है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अपने उसी धर्मनिष्ठा को पुनर्जागृत करें और अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त करें। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है निशा कुमारी और मैं खूटी जिले की हूँ। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा क्या करूँ कि कॉन्सेंट्रेशन कर पाऊँ? कोई भी काम करने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाती, ये आपका ही नहीं सब बहुतों का है। कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम तो अपना एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये करना है, दूसरा उसके लिए संकल्प करना है, तीसरी बात अगर संकल्प करने के बाद मन इधर उधर भागे तो मन को सुझाव दे के रोकना है, और आत्म भाव सुझाव दो, भावना योग करो तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, श्रीमती नीति नायक शिवनी से उपस्थित हूँ। नीति नायक तैयार हैं श्रीमान संजय जी गुंडू वाले षष्ठीधर के साथ रांची से। संजय जी गुंडू वाले प्रस्तुत हो जाए। संजय जी और तैयार रहे श्रीमान विजय कुमार जी रंजना जी पाटनी इम्फाल। नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग सभी भारतीय दिगंबर जैन शराक ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं और शराक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग विगत 20 से 30 वर्षों से शराक ट्रस्ट झारखंड उड़ीसा और बंगाल में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को आचार्य ज्ञान सागर जी के देवलोक गमन के बाद हम लोग का वो क्षेत्र एक सुना हो गया, और आपके आने की आश्वासन के बाद हम लोग आनंद से भाव विभोर है। तो महाराज श्री हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को आपका क्या आदेश है और हम लोग कैसे इसको सफलीभूत करें? बस कार्यकर्ता अपनी कमर कस के तैयार रहो, मंच में किसी निर्देश की जरूरत नहीं है, बस प्रपंच से बचे रहना। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान विजय जी रंजन जी पाटनी इम्फाल। तैयार हैं शुभाकांक्षी क्षमा सराज्यन परोला जलगांव। नमस्तु महाराज श्री। नमस्तु महाराज श्री। नमस्तु महाराज श्री। गुरुदेव मेरी ये बोलो। नमस्तु महाराज श्री। नमस्तु महाराज श्री। नमस्तु महाराज श्री। गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है, कोई भी काम के लिए देश हित सर्वोपरि है कि धर्म हित सर्वोपरि है? जैसे हम कोई टैक्स माफ करवाते हैं धर्म के लिए, उसमें देश का नुकसान होता है, तो सर्वोपरि देश हित है कि धर्म हित? देखिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रहित सर्वोपरि, क्योंकि हमारे यहाँ आत्मधर्म से बड़ा राष्ट्रधर्म। पर यदि हम सरकार के नियमों का लाभ लेकर अगर टैक्स माफ कराते हैं तो इसमें राष्ट्रहित बाधित नहीं होता, हम राष्ट्र का सहयोग लेते धर्म हित को आगे बढ़ाने में। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कोई काम न हो जिससे राष्ट्र हित में बाधा हो। ठीक है, राष्ट्र का तंत्र है, आज सरकारें इतने इतने तरह के अनुदान देते रहती है, खर्चे करते रहती है, वो भी तो आपके टैक्स के पैसा का ही काम करते। तो अगर धर्म की प्रभावना के लिए किसी कार्य का एग्जम्पशन आप सरकार से लेते हैं तो कोई दोष नहीं। तैयार हैं श्रीमान विजय बजाकुला महर्ष से और उपस्थित हों सुप्रिय समाज सेवी श्रीमान संजय जी सज्जन जी बंसल कोलकाता से, और साथ में मार्गदर्शक गुणायतन के श्रीमान रमेश जी सरावगी। नमस्तु महाराज जी। हम व्यापारी वर्ग हमेशा सोचता है कि हमारा मोक्ष जो है वो सेवा के रास्ते से होगा या अध्यात्म के रास्ते से होगा? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा सज्जन जी बंसल साहब का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। रमेश जी सरावगी हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भागीरथी प्रयत्न करते रहे हैं, और सन 2019 में जब मेरे पास सूचना आई कि बांग्लादेश की सीमा पर हजारों गोवंश हैं जो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा संरक्षित किए गए हैं, उन्हें स्थायी सुरक्षा की जरूरत है, कोई स्थान चाहिए, उस समय हमारे कार्यकर्ताओं के देवदेव महासंघ के कार्यकर्ताओं के पास कोई स्थान ठिकाना नहीं दिख रहा था। उस समय प्रेमचंद प्रेमी और सुरेंद्र जैन जो उस समय महामंत्री थे मेरे पास आए, उस समय मल्ल कुमार जी भी थे अध्यक्ष, इन लोगों से मैंने कहा आप लोग चिंता मत करो, कलकत्ता पिंजरा पोल सोसाइटी के पास बहुत बड़े साधन है, भूखंड है, रमेश जी सरावगी उसके अध्यक्ष, आप उनसे मिलो,
आपका रास्ता निकलेगा। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कहने में कि जब रमेश जी सरावगी ने इसका प्रस्ताव अपने ट्रस्ट में रखा तो सबसे ज़्यादा आगे ये संजय जी बसल आए और कि ये काम होना ही चाहिए। और कल्याणी में 10 एकड़ जमीन देकर उस समय से वहाँ देवदेव गौशाला का संचालन हो रहा है, जिसमें आज काफ़ी संख्या में मेरे ख्याल से 700 पशु हैं ना, हाँ 700 पशु संरक्षण पा रहे हैं। मैं इनकी इस भावना का बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। आपने जो सवाल किया कि मुक्ति सेवा के मार्ग से मिलेगी या अध्यात्म के मार्ग से, देखिए सेवा के मार्ग से पुण्य मिलता है और अध्यात्म के मार्ग से मुक्ति। जब तक प्रवृत्ति में जी रहे हो तो सेवा का आश्रय लो ताकि पाप से बचा जा सके, और निर्वृत्ति में रहो तो अध्यात्म का आश्रय लो। समझ गए? सेवा से बड़ा त्याग है। जो भी व्यक्ति सेवा के मार्ग में लगते हैं वे अपने अंश का योगदान देते हैं, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे ध्यान तक धन का, लेकिन मुक्ति के मार्ग में अपना सर्वस्व अर्पित करना होता है। अंश नहीं, वो त्याग है, और त्याग का चरम रूप समस्त पर द्रव्यों के संसर्ग से मुक्त होना है, जो परम ध्यान की अवस्था है। पर द्रव्य के संसर्ग से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। हम लोग जब तक पर से नाता लगा के रखेंगे तब तक संसार है, और जब निज से नाता जुड़ेगा तो मुक्ति है। तो सेवा में पुण्य है और त्याग से मुक्ति। समझ गए? जब तक हम त्याग तक नहीं पहुंच पाए तब तक सेवा में जड़े जरूर जुटे रहे ताकि पाप से बचा जा सके, इसके अलावा रास्ता नहीं। उपस्थित हो रमेश जी, पूछे रमेश जी, ठीक हाँ बोलिए। बेजा जी अकोला महाराष्ट्र से, और एक छोटा सा बेटा तैयार है, जैन जी चैत्य शुक्ल सिंह विनय निकिता जैन जलगांव। गुरुदेव के चरणों में हम बज परिवार बिलाला परिवार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अकोला महाराष्ट्र से समस्त जैन समाज का कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 भगवान मनचांद सिंह सभी शुलक जी महाराज जी के सामने इच्छामि 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 प्रभु। गुरुदेव, जब हम लोग स्वाध्याय करते थे तो एक चीज़ की जिज्ञासा काफ़ी दिनों से मन में चल रही थी। स्वाध्याय शायद रत्नकरण शवाकाचार में या पढ़ने में आया है या तत्वार सूत्र जी में, थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, लेकिन दोनों में से एक में आया था कि जो हमारे सिद्धांतिक ग्रंथ है तो पर्वों के दिनों में यानी अष्टमी चतुर्दशी आदि में या फिर जैसे सूर्य ग्रहण या आदि कोई आपदा वगैरह आ रही है इन दिनों में हमें कोई जो सिद्धांतिक ग्रंथ है इनका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो ऐसा किस उद्देश्य है, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए काल शुद्धि के अंतर्गत आया है, बिल्कुल सही है। सिद्धांत ग्रंथ में सठखंडागम के साय पाहुड़ जैसे ग्रंथ आते हैं, जो हमारे मौलिक ग्रंथ हैं उनको अष्टमी चतुर्दशी पंद्रह ग्रहण राजा के मरण अष्टानिक आदि के कार्यों में नहीं किया जाता है। द्रवछेद काल भाव की शुद्धि करना चाहिए, और ऐसा बताया गया है कि अष्टमी के अध्ययन से गुरु शिष्य का वियोग होता है। अन्य भी इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, इसका हमको पालन करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। कुमारी पाखी अर्पित जैन चैत जैन बोलो चैत जैन तैयार हैं, और चाहिए हैं प्रभाकांत जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरी उम्र 10 साल है। मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, आलू प्याज नहीं खाता हूँ, एकदम मैगी पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ। तो महाराज जी लोग कहते हैं कि इसीलिए तुम दुबले हो, तो महाराज जी मैं उन्होंने क्या जवाब दूँ? बोलना ठीक है, मैं नहीं खाता इसलिए दुबले हैं, जो खाते हैं वो मोटे हैं, उनको मोटे होने के लिए खाना छोड़ना पड़ता है। मैं दुबला हूँ, मुझे खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा। उनसे बोलना दुबलापन बीमारी नहीं, मोटापा बीमारी है, और बीमारी मोटापा जो है बीमारी का घर है, बीमारी नहीं,
इसलिए बोलो मैं छुआरा ही रहना पसंद करूंगा, पिंड खजूर नहीं बनना चाहता। समझ गए ना? छुआरा और पिंड खजूर में अंतर जानते हो ना? कोई बोले तो बोलना मैं छुआरा हूं, समझ गए, पिंड खजूर मुझे नहीं बनना, तुम बनो तुमको पिंड खजूर बनना है तो, पर ताकत छुआरे में ज्यादा पिंड खजूर में कम, समझ गए। चलो आइए श्रीमान प्रभाकांत जी तत्पर रहे, श्रीमान लोकेन जी अजमेरा कोलकाता, लोकेन जी अजमेरा अपने स्थान में खड़े हो जाएं। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु इच्छामी चुल्लक जी महाराज। महाराज श्री अभी आपने कहा कि सराक समाज बेसिकली ओरिजिनल जैन है, तो मेरे मन में एक शंका आ रही थी कि जो अभी हम मेन स्ट्रीम समाज में हैं तो हमारी क्या मौलिक जिम्मेदारी बनती है सराक समाज के प्रति, क्योंकि उन्होंने काफ़ी विपदाएं झेली हैं पूर्व में और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। माशा बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा है। देखिए सराक समाज के जो भी लोग हैं वो हमारे ही भाई बंधु हैं, हमें उनके साथ बड़ा स्नेहिल संवेदनशील और आत्मीय व्यवहार होना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनके बीच जाएं, उनसे संपर्क बनाएं और उनके साथ संवाद जोड़कर उनके विकास का कार्यक्रम करें, उनको अपने समान बनाएं, उनको इस लायक बनाएं कि वे समाज की प्रथम पंक्ति में आगे बढ़ सकें, उनके सर्वतोमुखी विकास का कार्यक्रम होना चाहिए। हम लोग एक गलती करते हैं, प्रायः कहीं किसी के विकास के नाम पर कुछ बांटने बूटने का काम कर देते हैं, और बांटने बूटने की प्रवृत्ति से तो हम सामने वाले को भिखारी बना देते हैं। हमें इन्हें भिखारी नहीं बनाना, राजा बनाना है, ये सोच रहा हूँ। इनको हमें कुछ देना नहीं, देने लायक बनाना है, इतना समर्थ बना दें कि ये औरों को दे सके, इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। और एक बात विशेष जानने की है, जब मैं सराक समाज के इतिहास को पढ़ रहा था, दो उल्लेखनीय बात, सराकों में एक भी भिखारी नहीं मिलेगा आज तक, और दूसरा कि आज तक, मैंने उस समय कर्नल टाड और डाल्टन की रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने लिखा कि सराकों के द्वारा आज तक कोई घृणित अपराध नहीं किया जिसके वजह से जेल जाना पड़ा। तो ये एक सभ्य समाज है, एक गौरवपूर्ण समाज है, एक संस्कार युक्त समाज है, समर्थ समाज है। कभी ये लोग सहनशाह थे जो तांबे के खदानों के मालिक थे, तो आप सोच लो क्या था उस जमाने में, उतना तांबा खोदा, छठवीं शताब्दी तक के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। समय काल के अनुरूप परिवर्तन है, इन्हें कुछ नहीं करना है, इनके बीच अपना संपर्क बढ़ाना है, इनको इस चीज का एहसास कराना चाहिए कि हम सब एक हैं, और ये अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित समाज की मुख्य धारा में आएंगे, और कल एक दूसरे जैन की तरह ये भी गर्व के साथ जैनत्व का अनुभव कर पाएंगे। मैं देशभर की जैन समाज से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उपक्रम प्रारंभ हो गया है, गुणायतन ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है, आपको चाहिए कि इस उपक्रम को और आगे बढ़ाने में गुणायतन के हाथ मजबूत करें। आपका जो भी द्रव्य लगेगा उसका पूरा सदुपयोग होगा, ये बहुत बड़ा काम है, अपने इन भाइयों को मुख्य धारा में जोड़ना मैं समझता हूँ किसी मंदिर के निर्माण से भी बड़ा काम है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना हम केवल इसलिए करते हैं कि आने वाले लोगों को जैन धर्म का बोध हो सके, यदि हम इन भाइयों को जैन धर्म का बोध कराकर अपने साथ जोड़ते हैं तो मंदिरों का फल प्राप्त करते हैं, ऐसा समझना। तो इसके लिए अभी तो कार्य योजनाएं बन रही है, बनेगी, पर जिसको भी चाहिए जुड़ना चाहते हैं वे अपने जुड़ने की शुरुआत कर दें। गुणायतन के अभियान का ये एक हिस्सा है, गुणायतन का मंदिर और ये प्रोजेक्ट तक गुणायतन सीमित नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं, गुणायतन एक अभियान है, इसलिए अभियान बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और बहुत व्यय साध्य है, जिन्हें इनसे जुड़ना है वो जुड़ते रहे।
उपस्थित हों श्रीमान लोकेन जिनरा साहब कोलकाता से तैयार हैं, श्रीमान जी पुष्पा सिंघई दिल्ली पटना गंज। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में सत्सत नमोस्तु सत्सत नमोस्तु सत्सत नमोस्तु छुलक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, कई तरह की क्रांतियां हुई हैं, श्वेत क्रांति हरित क्रांति, परंतु जब से मीडिया के अंदर में क्रांति आई है तो धर्म प्रभावना की एक बहुत बड़ा आगाज जगह है। आज हर व्यक्ति जैन समाज नहीं जैनेतर समाज आपके ये शंका समाधान प्रवचन कई तरह के जो कार्यक्रम है उन सब से अभिव्यक्त है। और आज जितने भी यहाँ पर संख्या आ रही है वो पहले से ये सब बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, 365 दिन देखते हैं एक दिन यहाँ पर आते हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है गुरुवर, कि जिस तरह से घर के अंदर में ये टीवी वगैरह में प्रोग्राम चलते हैं, श्री चक्रमंडल विधान के मंत्रोच्चार होते हैं, आपका शंका समाधान होता है, प्रवचन होता है, शांति धारा होती है, उन ग्रहों का जो वास्तु है, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो किस तरह की रहती है, इसके बारे में थोड़ा सा विवेचन करें तो मुझे अच्छा। देखिए, आपने क्रांति की बात की, मैं क्रांति की बात नहीं जानता, संक्रांति को जरूर मानता, समझिए। हम क्रांति पर कम संक्रांति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और मैं इसे एक बड़े संक्रांति के रूप में देख रहा हूँ। संक्रांति यानी परिवर्तन, और जब परिवर्तन होता है तो उसका परिणाम बहुत उत्तम होता है। ये एक बड़ा परिवर्तन है जो लोगों के अंदर आए। आपने कहा कि घरों में यदि मंत्रों का गुरु मुख से उच्चारण होता है और वो टीवी के माध्यम से घरों में गूंजती हैं, तो क्या घर के वास्तु का कुछ दुष्प्रभाव कम होता है? मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी गुरुमुख के मंत्रों का उच्चारण घरों में अनुगूंजित करेंगे तो उसकी वर्गनाओं का प्रभाव तो वहाँ होगा, उस घर की अलाय बलाय दूर होगी, इसमें कोई संशय नहीं, उसकी नकारात्मकता कम होगी, इसमें कोई संशय नहीं। यद्यपि ये सवाल पहली बार सामने आया, मैं तो ये कहता हूँ कुछ लोग प्रयोग करें और तथ्यात्मक रूप से इसको प्रस्तुत करें, कुछ ना करें। अभी केवल 21 दिन तक शांति धारा का मंत्रोच्चार सुने नियमित, पर एक नियम के साथ, शांति धारा चले तो हाथ जोड़कर शांति धारा देखो, अनुमोदना करो, ये चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नहीं, 15 मिनट का कार्यक्रम है, आप उसको जोड़िए और देखिए, फिर 21 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट देखिए। अगर 150 परिवार ऐसा अध्ययन करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत अच्छे तथ्यात्मक रिपोर्ट समाज के बीच बनेगी और परिवर्तन होगा। इसी प्रकार जिस घर में सिद्धचक्र विधान एक बार अनुगुंजित हो जाता है उस घर में बड़ा फर्क होता है, और इसका तो अनुभव कुछ लोगों ने किया है जिनने घर में मंडल रच करके विधान किए, यहाँ नहीं आ पाए, घर में किए, संपूर्ण अर्घावली चढ़ाई, और वो कहते हैं महाराज जी विधान के बाद हमारे घर में बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो ये प्रयोग करके देखा जाए, हाथ कंगन को आरसी की बात नहीं रहेगी, और आप प्रयोग कीजिए, परिणाम जरूर आए। उपस्थित हूँ श्रीमती पुष्पा जी सिंह ही रेहली पटनागंज से, तैयार हैं कुमारी बिनी जैन सुपुत्री विमल जी जैन। समय हो गया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसे कोई व्यक्ति मदरा पीता है, हाँ बोलो, हम मदरा पीता, और मोह के लिए भी मदरा कहा गया है, और मोह जो रहता है वह दसवें गुण स्थान तक रहता है। तो महाराज जी, जो मदरा पीते हैं उसका पन अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, परंतु हम जो संसारी प्राणी हैं वो तो सब मोह रूप है मदरा में हैं। ऐसा इसके मदिरा का दुष्परिणाम हम सब ने देखा है और कुछ लोगों ने भोगा भी, इसलिए मदिरा कभी भी सेव्य नहीं।
और मोह को मदिरा से उपमित किया गया है, मदिरा की उपमा दी गई कि जैसे मदिरा हमें बेशुद्ध करता है वैसे ही मोह भी बेशुद्ध करता है, समझ गए। और मोह में दो रूप है, मोह ग्यारहवें की दसवें गुण स्थान तक नहीं रहता, कषाय रहती, कषाय रहती, क्या रहती है कसा। मोह तो मिथ्या दृष्टि का होता है, जो हमें आत्मा की शुद्ध न लेने दे वो मोह जैसे शराब के नशे में उद्धत मनुष्य को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती, ऐसे जिस प्राणी को अपनी आत्मा की शुद्ध ना हो वो मोह है, वो ये जानने नहीं देता कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, ये मोह है। तो उस मोह को कैसे जीत सकते हैं? तो जैसे किसी के ऊपर शराब का नशा हो तो कहा जाता है उसे खटाई खिला दो नशा शांत हो जाएगा, खटाई खाने से नशा उतरता और मिठाई खाने से नशा चढ़ता, ऐसा सुना है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है चक्कर भर जा सुना है ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये खटाई खाने से नशा उतरता है और मिठाई खाने से नशा चढ़ता है, तो जो विषयों की मिठाई खाता है उसके मोह का नशा चढ़ता जाता है, अर्थात तो ज्ञान की खटाई खाने से मोह का नशा उतर जाता, समझ गए। मोह का नशा उतरने के बाद धीरे धीरे कषायें शांत होती और आत्मा आगे बढ़ती। श्रीमती मीना जैन दिल्ली शकरपुर, इन्होंने स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्णदान प्रदान किया है, अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। दिल्ली से श्रीमती मीना जी जैन शकरपुर दिल्ली से आशीर्वाद दे रहे हैं। बीना जी बीना बिनी हो गया चलो। सराख क्षेत्र से सराख जैन षष्ठीधर जी जैन माझी चौका हाथू रांची उपस्थित हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव मेरा दो दो एक बिंदु का शंका है। जैन संप्रदाय के अंतर्गत जैसे कोई भी राजनीतिक या सांप्रदायिक भाषा में कभी हम लोग पढ़े हैं कि भारतवर्ष के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई धर्म को लेकर जोड़ा जाता है, परंतु कहीं कभी लोकोक्ति में सुनने को नहीं मिलता है कि हिंदू जैन मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो जबकि हिंदू धर्म और जैन धर्म अलग अलग है। आखिर हमारे जैन की अखंडता का प्रदर्शन ना सांप्रदायिक और राजनीतिक में इतना संपन्न रहने के बावजूद क्यों नहीं होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए जैनों की उदारता इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जैनों ने न भाषा का आग्रह किया न प्रांत का आग्रह किया और हमेशा अपने आप को समय काल के अनुरूप एडजस्ट किया। हिंदू को एक धर्म के रूप में हमने कभी नहीं माना, हिंदू को एक संस्कृति के रूप में देखा। हिंदू धर्म नहीं है, धर्म वैदिक धर्म है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, हिंदू एक संस्कृति। इसलिए मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा जो हिंसा से दूर है वह सब हिंदू है, जो हिंसा से दूर है वह सब हिंदू है। हर भारतीय धर्म और हर भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाला हिंदू है, तो हिंदू एक संस्कृति है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो बात आती है वो बात अलग है। अगर कहा जाए तो हर हिंदुस्तानी हिंदू है और यही अनुभूति हर व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। जी महाराज, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदू है। जिस दिन हमने इस बात में सफलता प्राप्त कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब से हमने हिंदू को संस्कृति के स्थान पर धर्म का रूप देना शुरू कर दिया संप्रदायवाद हावी होने लगा। जैनों ने आज तक अपने आप को अहिंदू नहीं कहा, हमारा धर्म जैन है, हमारी संस्कृति भारत की एकमात्र संस्कृति है जो सर्व संस्कृति को समाहार करती है, चाहे वो वैदिक संस्कृति हो या श्रमण संस्कृति, उस सब के समवेद संस्कृति का नाम है हिंदू। आदेश हो तो एक एक शंका है अभी एक ही। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दिव्या जैन है। मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी जब हमारी किसी से आर्ग्यू होती है या लड़ाई होती है, स्पेशली रिलेटिव या फ्रेंड्स हो या घर में फैमिली मेंबर, तो महाराज जी उसके बाद तुरंत हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मुझे तो ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो फिर जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो भी एक पाप हुआ। तो महाराज जी मैं मेडिटेशन करती हूँ, भावना योग करती हूँ, बट
मैं जब दोबारा वो सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है मैं वैसे ही रिएक्ट करती हूँ, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो महाराज जी मैं ऐसा क्या करूँ कि उस टाइम मुझे नेगेटिव थॉट्स ना आए? सबसे पहले ये बताओ लड़ाई क्यों होती? पता नहीं महाराज जी, छोटी छोटी पता है, अभी पता लग जाए। लड़ाई क्यों होती? लड़ाई तब होती है जब हमारे मन में आवेग छाता है, विवेक आता है, और आवेग में विवेक खो जाता है, होता है ना? जब आवेग आता है भावनाओं का तो विवेक खो जाता है, और व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है। भावनाओं में बहता है तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे देता है, और जब तक उस वेग का जोर होता है तब तक उसकी बुद्धि में और कुछ नहीं आता, वही आता है, वो नेगेटिव 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 चलेगा। जब उसका ज्वार उतरता है, दिमाग ठंडा होता है, तब उसको पश्चाताप होता, रे मैंने ऐसा गलत कर दिया। वेग के शांत होने पर उसे वास्तविकता का पता लगता है, लेकिन तब तक पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। तो इसका उपाय क्या है? साधारण स्थिति में आप इतनी भावना योग का अभ्यास करो कि आपकी सहजता हमेशा बनी रहे। चार मंत्रों का नियमित उच्चारण कीजिए। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, कम से कम 27 बार करो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना। भगवान का नाम जपो या ना जपो, इन मंत्रों को जप लो। सामान्य स्थिति में अच्छे दीर्घ और लयात्मक शब्दों स्वरों में आप इसका उच्चारण कीजिए। यदि इनका उच्चारण करोगे तो जब वेग आएगा ना, मुझे सहज रहना अंदर से आएगी, मुझे शांत रहना अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए आगे। साधारण आमंत्रित हैं श्रीमती प्रीति अनुरागी जैन, हैदराबाद प्रमाणिक समूह से, जो अपनी एक अनुपम प्रस्तुति करने जा रही हैं। आई समागे ओ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रुचि तुम भी आ जा। प्रीति बहन का अभिनंदन करो, ये लोग प्रमाणिक समूह के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। प्रमाणिक समूह की जितनी आप लोग एनिमेटेड स्टोरीज देख रहे हैं उसमें जो आवाज़ है उसमें प्रीति की ही आवाज़ है, और बहुत मेहनत ये करती है। अभी आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और रुचि जितनी भी एक्टिविटीज प्रमाणिक समूह के हैं, जितनी भी बुक्स आप देखते हैं, उन सबको पूरी तरह से डिजाइन करके तैयार करने में इनकी भूमिका है। सिंगापुर में रहती है, और ऐसा धर्मानुराग कि सिंगापुर से यहाँ अभी इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देने के भाव से आए। इनके इस प्रयास के लिए जोरदार अभिनंदन, और इसके साथ साथ जैन संघ पुणे के सभी सदस्यों को मैं कहूँगा, जो एक छोटे से आह्वान पर ये सब वहाँ के पंचकल्याणक को छोड़कर यहाँ आए हैं, केवल एक भाव से, इस धर्मानुराग से कि हम आगे बढ़ पाएं और कुछ अच्छा कर पाएं। सभी का अभिनंदन। बोलो। बात हो रही थी भावना योग की, तो आज इस मंच से हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आचार्यों ने कहा है कि यदि हम अपना मंगल चाहते हैं तो हमें अपनी ही नहीं, बल्कि अपनों की ही नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के लिए मंगल भावना की कामना करनी चाहिए। और पूज्य श्री 108 प्रमाण सागर महाराज जी का आशीर्वाद हमें मंगल भावना के रूप में सहज ही उपलब्ध है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि यदि भाव अपनी मातृभाषा में ना प्रकट किए जाएं, तो उन भावों में गहराई नहीं आ पाती। हमारे प्रमाणिक समूह का प्रयास है कि इस मंगल भावना को हर जीव अपनी मातृभाषा में समझ सके और अभिव्यक्त कर सके। आज हमारे सराक शिविर का शुभारंभ हुआ है, और इस मंगल अवसर पर आज प्रमाणिक समूह लॉन्च करने जा रहा है मंगल भावना का सुमधुर मराठी और बंगाली अनुवाद। आज बंगाली करो मराठी कल। हाँ? बंगाली आज, मराठी कल। ओके, आज हम बंगाली भावना की एक झलक देखेंगे।
কোনো কষ্টের চিহ্ন নেই, কোনো কষ্ট নেই, মনে কোনো চিন্তা বা ভয় নেই, রোগ বা দুঃখ নেই। মনে কোনো শত্রুতা বা অভিমান রাগ কখনোই নয়, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা যেন থাকে, মন থাকে খুশিতে। মঙ্গল মঙ্গল হোক জগতে, সব মঙ্গলময় হোক, মঙ্গল মঙ্গল হোক জগতে, সব মঙ্গলময় অন্তর উজ্জ্বল হো, রাগ দ্বেষ ও মোহ মিটে যাক, আত্মা নির্মল হো। প্রভুর মঙ্গল গান করে সব পাপের ক্ষয় হয়, এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর শুভ মঙ্গল। प्रसिद्ध रचना का अनुवाद एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं साहसी कार्य होता है। इसका अनुवाद भी रातों रात कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरी टीम की मेहनत थी, जिनको मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूंगी आज इस मंच से, और चाहती हूं कि आप कर्तव्य ध्वनियों से उनका अभिवादन करें। मंगल भावना का यह सुंदर अनुवाद किया है प्रीति जी, रंगोली जी, रिंकू जी, रिश्रा जी कोलकाता ने। संगीतबद्ध किया है अंशुमन दास जी ने, और सुंदर स्वर दिए हैं स्नेहा चक्रवर्ती जी ने, और रिकॉर्ड और मिक्स किया है श्री सनी कर्माकर जी ने। इस अनुवाद का आद्योपान कोऑर्डिनेशन दीक्षा जी जैन दुर्गापुर ने बखूबी किया है। कृपया सभी उनका कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत करें। धन्यवाद। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com।